इस सरकार ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश की जनता की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाए, और हमने सरकार की कोरोना में नाकामियों के चलते हमने मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट से, पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांगा विपक्ष ने। और हमारा ये आरोप है कि ये जो हिमाचल प्रदेश के लोगों पर ये टैक्स थोपे गए, जो महंगाई लादी गई, इसमें सिर्फ जयराम ठाकुर ही जिम्मेवार नहीं है, सारे मंत्री इसमें शामिल हैं, क्योंकि कैबिनेट में बैठ के इन्होंने रोजाना अपने लिए जो है योजनाएं बनाई, और हिमाचल प्रदेश के जनता के खिलाफ इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। और पूरी और कोरोना काल में जिस ढंग से 6 महीने के दौरान जो है जिस ढंग से अराजकता फैल गई, पूरी सरकारी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, पूरा तंत्र जो है नाकाम हो गया, और जो है अफसर दंदनाते रहे, ये बात आज हमने हाउस में लाई कि आपने कितने लोग जो है, कोरोना तो आप रोक नहीं सके, जब प्रदेश में 2 केस थे तब आप जो है कोरोना फ्री स्टेट घोषित करना चाहते थे, और आज जो है प्रदेश के 53 लोग जो है उनकी जानें चली गई हैं, 7500 से ज़्यादा लोग जो है इस समय संक्रमित हैं। तो ये मसला जो है जब सदन में उठा तो भाजपा के लोगों ने जो है इसमें बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री जी बार बार उठ रहे थे, मुख्यमंत्री जी हमें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दे रहे थे।